नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। आपको बता दें, तस्वीरों में दिखाई दे रहे दो युवक वही बदमाश हैं जिन्होंने बीती 4 फरवरी को फरीदाबाद के सेक्टर 55 में महिला को अकेला देखकर वहां लूटपाट की और फरार हो गए। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों में से एक का नाम फिरोज़ और दूसरे का नाम गोविंदा है, जो कि दोनों जीवन नगर गाँव गोची थाना मुजस्सर के रहने वाले हैं। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर सेठी मलिक की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को पकड़ा है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी को लेकर ACP क्राइम सुरेंद्र शहरों ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं और जानते हैं। लूट और डकैती की जो वारदात आई है, क्या 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 था इसका मेन? आदरणीय ACP साहब फरीदाबाद श्री विकास अरोड़ा तथा DCP क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के दिशा निर्देशों पर कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच 30 जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर सेठी मलिक है, उनके नेतृत्व में एक घर में औरतों को अकेली देखकर लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इससे प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि 4 फरवरी की शाम को करीब 9-10 बजे सेक्टर 55 एरिया में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे घर पे मौजूद थे, तो उसी दौरान 2 नकाबपोष व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुसे और उनको पिस्टल व चाकू का भय दिखाकर मौत का भय दिखाकर उनको जबरदस्ती बाथरूम में बंद कर दिया तथा घर में रखी नकदी व जेवरात को लूट के फरार हो गए थे, जिस पर क्राइम ब्रांच 30 ने कार्रवाई करते हुए 7 दिन के अंदर इस गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और इनको अभी कोर्ट में पेश करके रिमांड दिया जाएगा। इससे मिलती जुलती और भी वारदात है फरीदाबाद में, हो सकता है वो भी इन्होंने किए, उनके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। रहने वाले कहाँ के हैं सर? ये रहने वाले जीवन नगर गोच्छी के रहने वाले हैं दोनों जो आरोपी हैं। इनमें एक फिरोज है, एक गोविंदा है, दोनों यंग हैं, एक की उम्र 20 साल है, एक की 19 साल है। पहले कोई इनकी ऐसी कोई वारदात की इन्होंने कभी पहले? अभी वैसे पूछताछ जारी है, लेकिन पहले अभी तक की जांच के अनुसार जो अपना गोविंदा एक्यूज्ड है इसके ऊपर पहले एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज है। सर, लूटपाट में परिवार वालों ने क्या क्या लिखवाया था और क्या क्या आपने कब्जे में लिया है इनसे? परिवार वालों ने करीबन 2 लाख रुपये और 3 अंगूठी लिखवाई थी, लेकिन अभी कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके रिकवरी की जाएगी। अभी रिकवरी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, रिकवरी की। सर, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया? इनको गोची से अरेस्ट किया है कल शाम। अच्छा, गोची से गिरफ्तार किया गया। सर, और कोई महत्वपूर्ण जानकारी इस केस में? सर, इसमें तो यही है, इससे मिलती जुलती और भी वारदात है उनके बारे में और पूछताछ की जाएगी, हो सकता है वो भी ट्रेस हो जाए। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर, इन लोगों के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, आपने कैसे उन्हें धर पकड़ा? ये तो हमारे साइबर तकनीकी माध्यम से और गुप्तचरों के माध्यम से ये वारदात ट्रेस है। जी सर, और इसके अलावा इसमें CCTV कैमरा होगा, भी बहुत अहम रोल होता है। तो बेसिकली आपने टेक्नोलॉजी का ढंग से यूज करके इनको धर पकड़ा? जी।